हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन नॉर्मल कंडीशन। जब सामान्य स्थिति होती है तो उस समय राष्ट्रपति की क्या पावर्स होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होता है उसके उनका प्रोसेस क्या है इलेक्शन का, उसके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमरजेंसी जो पावर्स होती हैं राष्ट्रपति की, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोमल्गेशन एफेक्ट्स एंड यूज इन प्रैक्टिस, ठीक है। जो आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स होती हैं, ठीक है, उनका प्रोमल्गेशन मीन्स उद्घोषणा, इफेक्ट उसके प्रभाव, यूज इन प्रैक्टिस और व्यवहार में उसका उपयोग। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद स्पेशल पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राष्ट्रपति हमारे देश का है, संविधान के द्वारा उसको कुछ विशेष पावर, ठीक है, प्रदान की गई हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में, संकट की स्थिति में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ विशेष पावर दी गई है। द पोजिशन ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टाइम आर एज फॉलोज, ठीक है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति को संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति है वो किस प्रकार है, निम्न प्रकार है। तो सबसे पहला आता है एमरजेंसी प्रोविजन एट द टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेजन एंड होम अनरेस्ट। आपातकाल की ताकत के समय, टाइम ऑफ वॉर युद्ध के समय, फॉरेन इन्वेजन विदेशी या बाहरी आक्रमण के समय, या होम अनरेस्ट जो आंतरिक अशांति होती है, ठीक है, उस समय। तो मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, जो उद्घोषणा होती है, डिक्लेरेशन होता है, उसका तरीका क्या है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मूल रूप है, ठीक है। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार द अरेंजमेंट दैट इफ द प्रेसिडेंट ऑब्जर्व दैट द डेंजर टू पीस, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो शांति है, ठीक है, वो खतरे में है, मीन्स कहीं ना कहीं अशांति फैल रही है। एंड नॉर्मलिटी इन इंडिया और इन एनी पार्ट, भारत के किसी भी हिस्से में अशांति फैल रही है या व्यवस्था नष्ट हो रही है, देन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन रियलिटी, वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण और अबाउट टू अप्रिहेंशन ऑफ इट, या इसके बारे में राष्ट्रपति को लगता है कि जो शांति व्यवस्था ये भंग हो रही है, ठीक है। तो अगर उनका ऐसा आभास होता है, ठीक है, इसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, द प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर द इमरजेंसी, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता था, कुड डिक्लेयर द इमरजेंसी, जो आपातकाल है उसको लगा सकता था, इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यहां तक कि पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल, बिना सहमति के। दिस अरेंजमेंट लास्ट फॉर 2 months, और ये जो आपातकाल की स्थिति होती थी ये कितने महीने के लिए होती थी, 2 महीने के लिए। एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन रिटेन इट टिल द रिक्वायरमेंट, और बाद में पार्लियामेंट के अप्रूवल से जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसको जब तक आवश्यकता होती तब तक इस संकटकालीन आपातकालीन स्थिति को बढ़ा सकती थी। बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपने पढ़ा जो संविधान का मूल रूप था, ठीक है, मूल संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति को लगता था कि देश के किसी हिस्से में शांति व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो रही है, व्यवस्था नहीं चल पा रही है, ठीक है, उस कहीं भी अशांति की आशंका है, तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में बिना पार्लियामेंट के सहमति से, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, 2 महीने तक जो एमरजेंसी है उसको लगा सकता था, ठीक है। और बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि ये जो आपातकाल की स्थिति है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट की अनुमति से जब तक ऐसी स्थिति की, इमरजेंसी की आवश्यकता होती थी तब तक उसको अप्लाई कर सकता था, अप्लीकेबल, लागू कर सकता था। लेकिन बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन
जो संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन, द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड इज एज फॉलोज। तो ये जो प्रावधान था, ठीक है, ये व्यवस्था अब निम्न प्रकार से है आफ्टर द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, पहला, दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन नो बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर द एप्रिहेंशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन और द आर्म्ड रेवेलियन। इस प्रकार की जो व्यवस्था है आपातकाल की, ठीक है, तो अगर लगता है जो युद्ध है या बाहरी आक्रमण है या जो रेबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है, इस प्रकार की अगर कोई आशंका होती है, ठीक है, तो भी इसको क्या किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेजन और द आर्म रेबेलियन। अगर ऐसे विद्रोह होते हैं तो इसको आपातकाल की स्थिति को लागू होने पर घोषित किया जा सकेगा। द इमरजेंसी कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। केवल जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आंतरिक अशांति है, उसके नाम पे जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, उसको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको लगता है बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, इन्वेजन्स हो रहे हैं, तो लग सकता है, लेकिन जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आंतरिक अशांति है, उसके नाम पे आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, सेकेंड, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 कैन ओनली बी मेड आफ्टर द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है, आपातकाल लगाता है, तो ये आर्टिकल है 352, इसके तहत जो इमरजेंसी है उसका डिक्लेरेशन तभी होगा, उसकी घोषणा तभी होगी जब मंत्रिमंडल जो है, ठीक है, वो रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में प्रेसिडेंट को ऐसी सलाह दे, एडवाइस दे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लग सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। थर्ड, द असेंट ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड विद इन अ मंथ विद इट्स स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। जब डिक्लेरेशन हो जाती है, ठीक है, तो इसके एक माह के भीतर भीतर जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वुड बी रिक्वायर्ड, उसकी सहमति आवश्यक होगी विद इन अ मंथ विद द स्पेशल मेजोरिटी, एक विशेष बहुमत से, ठीक है, दोनों सदनों की टोटल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस सेपरेटली एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स दोज वोटेड, ठीक है। अलग अलग जो संसद है उनके दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक है, ठीक है, और उसमें लगभग जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। एंड टू कीप इट कॉन्टिन्यू द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ। और इस इमरजेंसी को अगर आपको आगे भी बढ़ाना है, आगे भी लागू करना है, तो प्रत्येक 6 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी 6 मंथ आपको पार्लियामेंट की सहमति होनी आवश्यक है, आपको पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी होगी, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहता है 6 महीने से और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करता है, फिर से पार्लियामेंट की सहमति लेता है, ठीक है। फोर्थ, द अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा। और आपातकाल की जो स्थिति है, ठीक है, तो उस समय जो लोकसभा में सदस्य भाग ले रहे हैं, तो एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा है, ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लोकसभा में जो सदस्य उपस्थित हैं उनके वोटिंग सिस्टम से सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आपातकाल की जो स्थिति है उसकी समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, संविधान का आर्टिकल 356 है, उसके तहत जो राष्ट्रपति है वो जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, जब उनको लगता है कि जो राज्य हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56, व्हेन द प्रेसिडेंट गेट द अप्रिहेंशन दैट देयर हैज इवॉल्व्ड अ सिचुएशन वेयर द गवर्नर ऑफ द स्टेट कुड नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दैट प्रोविंस, ठीक है। अनुच्छेद 350 के तहत
356 के अनुसार राष्ट्रपति को अगर लगता है किसी भी राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, ठीक है, वो ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि संवैधानिक अनुसार से राज्य नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य का जो शासन होता है, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेरेशन कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को लगता है ये आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है, प्रेसिडेंट गेट्स द एप्रीहेंशन दैट देयर वॉज इवोल्यूटेड सिचुएशन वेयर द गवर्नर ऑफ स्टेट कुड नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो प्रावधान बताए गए हैं उसके तहत गवर्नर असफल हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति होते हैं वो इमरजेंसी लागू कर देते हैं स्टेट में। दिस अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पीरियड फॉर मोर देन 2 मंथ्स, और इस प्रकार की जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, ठीक है, ये 2 महीने से अधिक के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है, इमरजेंसी की जो कंडीशन है ये 2 महीने से अधिक समय के लिए लागू नहीं होगी, पीरियड फॉर मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर आपको 2 महीने से अधिक के लिए अप्लीकेबल करना है, इसको लागू करना है, तो फिर किसकी अप्रूवल चाहिए, सहमति, पार्लियामेंट की, ठीक है। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर 6 मंथ बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होने के बाद, प्रस्ताव पास होने के बाद, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 6 महीने तक के लिए लगा सकता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रपोजल इज एसेंशियल टू बी पास सेपरेटली बोथ बाई बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी, और इस प्रकार का जो प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है, इसका दोनों ही सदनों में अलग अलग पास होना आवश्यक होता है विद द सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत से इस प्रकार के प्रस्ताव को दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होना जरूरी है। द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट कंटिन्यू इन एनी कंडीशन आफ्टर 3 ईयर, किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन 3 साल से अधिक नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, वो 3 सालों के बाद, आफ्टर 3 ईयर, उसके बाद शासन को लागू नहीं किया जा सकता है, ओके? फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट, तो इसको घोषणा करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत, व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स द एप्रीहेंशन, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे, ऐसा विश्वास हो जाए दैट ओइंग टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द मीनिंग्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया हैज बीन कास्ट, भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है, ठीक है, राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, ठीक है, भारत में जो वित्तीय स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, उसको क्या है, खतरा है, डेंजर है, देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसी कंडीशन में वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को लगे कि जो वित्तीय संकट है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, उसका स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में है वित्त व्यवस्था की, तो ऐसी स्थिति में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। देन द टर्न डिसाइडेड फॉर सच डिक्लेरेशन इज एज सेम एज फॉर डिक्लेरेशन, और इसकी घोषणा करने का जो तरीका है, ठीक है, अवधि है, टर्म है, वो वही है जो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, कैसे वो इसका डिक्लेरेशन करते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और उनकी नॉर्मल टाइम की पावर और इमरजेंसी पावर्स। अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो इनका इलेक्शन कैसे होता है, इन द आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 63 अनुच्छेद के तहत देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है, पद होता है, उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ड्यूरिंग द ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट
कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, तो उस बैठक में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन है, वो तो होता है। एंड दिस इलेक्शन इज परफॉर्म बाय द सिंगल ट्रांसरेबल बोर्ड सिस्टम, और ये जो इलेक्शन है ये भी सिंगल ट्रांसरेबल बोर्ड सिस्टम के तहत होता है, ठीक है। ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड विद द सीक्रेट बैलेट, ठीक है, गोपनीय जो बैलेट पत्र होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक हैं, कौन कौन सी। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ओके। ही मस्ट बी नॉट लेस देन 35 ईयर्स। तो जो एज का क्राइटेरिया है, ठीक है, सेम है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, और लगभग वही क्राइटेरिया है। ही शुड मीट ऑल द क्वालिफिकेशन विच हैव बीन फिक्स फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके अंदर वे सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। डिपोजिशन, वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से कैसे हटाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, ठीक है, कार्यकाल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेम होता है 5 ईयर का, बट लेकिन ही कैन रिजाइन वॉलेंटरली फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर हिज टेन्योर, ठीक है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले, ठीक है, वो इस पद को छोड़ सकते हैं, ठीक है, रिजाइन वॉलेंटरली अपनी स्वेच्छा से भी पद को छोड़ सकते हैं, और ही कैन बी टर्मिनेटेड बाई द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड विद द टोटल मेजोरिटी ऑफ इट, ठीक है, और या तो वो खुद चाहें तो त्यागपत्र देके पद को छोड़ सकते हैं, और राज्यसभा उसमें भी अगर कुल बहुमत द्वारा पास होता है, मेजोरिटी आती है, ठीक है, तो लोकसभा उसको स्वीकार कर ले, तो उस कंडीशन में भी राज्यसभा और लोकसभा की सहमति से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है। विच इज लेटर एक्सेप्टेड बाई लोकसभा टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रपोजल शुड बी गिवेन बिफोर विद इन 14 डेज, ठीक है, और इस प्रकार की अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोजिशन से हटाना है तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये 14 डेज पहले दे दे जानी आवश्यक है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा की सहमति से भी इनको हटाया जा सकता है, और चाहे तो ये खुद भी पद छोड़ सकते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उपराष्ट्रपति के भी कुछ कार्य होते होंगे, ठीक है, तो क्या कार्य होते हैं। एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा के ये चेयरमैन ऑफिसो हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन हैं, सभापति हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है। एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, चूंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मीन्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपके अंदर राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। सो ही इज नॉट इनटाइटल्ड फॉर वोटिंग, चूंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो किसी भी बिल के उपलक्ष्य में जब वोटिंग सिस्टम कराया जाता है, ठीक है, तो इनको वोट डालने के लिए अनुमति नहीं होती, ठीक है, मतदान का इनको अधिकार नहीं है, लेकिन बट इन द केस ऑफ इनडिसिवनेस ऑफ एनी सब्जेक्ट, लेकिन किसी विषय पे, ठीक है, बराबर बद हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष के जो मत होते हैं, ठीक है, ये अगर बराबर हो जाते हैं तो ही होल्ड द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को निर्णायक वोट डालने का, निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। तो सपोज किसी बिल पे, किसी विधेयक पे चर्चा हो रही है, ठीक है, राज्यसभा में, और उस बिल के लिए कुछ वोट कराए जाते हैं, भाई कौन चाहता है कि ये बिल आए और कौन चाहता है नहीं आए, तो जब वोटिंग होता है तो 50-50 का रेशियो आ जाता है, 50 मेंबर्स चाहते हैं
ये विधेयक आना चाहिए, 50 चाहते हैं नहीं आना चाहिए। तो जब इक्वल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में एक विशेष अधिकार प्राप्त है वाइस प्रेसिडेंट को कि वो अपने मत का यूज करके इसको निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकता है कि ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो उनके कार्यभार को संभालते हैं। इन फॉलोइंग कंडीशन, निम्नलिखित दशाओं में द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो पद होता है, ठीक है, राष्ट्रपति पद के कार्यभार को निम्नलिखित दशाओं में वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। कौन कौन सी कंडीशन है? आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पे। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर। डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू इम्पीचमेंट, जब महाभियोग लाया जाता है उसके कारण राष्ट्रपति को जब उनके पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पद है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट दूसरे कारणों से ड्यू टू एनी रीजन, जैसे कि बीमारी या विदेश यात्रा, ठीक है, दूसरे जो असमर्थ स्थिति होती है राष्ट्रपति की, बीमार हैं या विदेश यात्रा पे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। संविधान का आर्टिकल 54, इसके तहत देश में जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 74 के तहत देश में प्रधानमंत्री जो पद है उसकी व्यवस्था करता है, उसका भी प्रोविजन है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति होना होगा एक भारत में, और 74 के तहत प्रधानमंत्री। ओके, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इट इज provisioned in the constitution that the prime minister will be appointed by the president. ठीक है, संविधान में ऐसा प्रबंध है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। According to the basic concept of constitutional system, जो संवैधानिक सिस्टम है, ठीक है, संसाधनात्मक प्रणाली है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके अनुसार इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करता है, ठीक है, जो मेजोरिटी प्राप्त करता है, ठीक है, उसके ही नेता को, ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करता है, तो उस बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है। एट देयर मे बी सरकमस्टेंसेस, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन इन द रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने खुद का जो कॉन्सेंट है, विवेक है, दिमाग है, उसको यूज कर सके। ठीक है, फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कार्य एंड पावर्स, फंक्शन एंड पावर्स, ठीक है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं और क्या उसकी शक्तियां हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदात्मक प्रणाली है सरकार की, प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल रॉक ऑफ आर्क शेप्ड बिल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संसदात्मक व्यवस्था है हमारे देश में, इसके तहत जो प्रधानमंत्री होता है वही संविधान भवन की जो एक बहुत विशाल भवन रूपी वृत्तखंड है, ठीक है, इसका क्या है,
एक मुख्य शिला है, प्रिंसिपल रॉक है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री है, एक मेन स्तंभ है, ठीक है, संविधान का। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। द फर्स्ट वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अज्यूमिंग हिज चार्ज, चार्ज लेने के बाद या पद ग्रहण करने के बाद जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका फर्स्ट वर्क क्या होता है। टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसका निर्माण करना। ओनली प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू डिसाइड दैट वॉट शुड बी द नंबर ऑफ मिनिस्टर एंड हु शुड बी अ मिनिस्टर अंडर अ लीगल रेंज। प्रधानमंत्री ही ये डिसीजन लेता है, निर्णय करता है कि जो लिमिटेशन है, ठीक है, वैधानिक सीमाएं हैं, ठीक है, उनके तहत मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन हों, ठीक है, मंत्रिपरिषद में कितने मेंबर्स होने चाहिए। कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, कितने मंत्री होंगे, एंड हु शुड बी अ मिनिस्टर अंडर द लीगल रेंज, ठीक है। कानूनन रूप से जो वैधानिक सीमा है, लीगल रेंज है, उसके तहत कौन कौन और कितने मंत्री होंगे, ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज चेंजेस ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम अमंग द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बीच जो पोर्टफोलियोज होता है, विभाग होता है, उनका बंटवारा और परिवर्तन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस, प्राइम मिनिस्टर एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर एंड जनरली नो वन मेक्स एनी क्वेश्चंस इन द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, और विभागों का जो बंटवारा हो जाता है तो सामान्य रूप से उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, ठीक है। मीन्स प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है वही अंतिम डिसीजन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है, ठीक है, उसमें शासन या प्रशासन में मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर सुपरिंटेंड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड चेयरमैनशिप ऑफ द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उन सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है, उनका सभापति होता है, और उनकी समस्त जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको संचालित करता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट्स की जो मीटिंग्स होती हैं उनका वो सुपरिंटेंडेंट होता है, ठीक है, उनकी कार्रवाई करता है और उनकी अध्यक्षता भी करता है। सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द एजेंडा बाय द प्राइम मिनिस्टर आर डिस्कस्ड ओनली इन द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में, बैठक में किस विषय पे बातचीत होगी, ठीक है। तो ये एजेंडा कौन रखता है? ये एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ही रखता है कि आज इस बैठक में किस विषय पे बातचीत होगी, ओके।